हरियाणा चुनाव के बाद कांग्रेस विधायक दल की पहली बैठक हुई है। इस बैठक में कांग्रेस विधायक दल के नेता पर चर्चा हुई। बैठक के बाद अंबाला से कांग्रेस सांसद वरुण चौधरी ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। वन टू वन तरीके से विधायकों से मुलाकात किया जा रहा है। हालांकि वरुण से देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनाई गई है, कहा जा रहा है नेताओं से मुलाकात किया जाएगा, बातचीत की जाएगी, तो क्या कुछ चीजें रहेगी इतना फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जा रही है, ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की गई है, किस तरीके से? देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है सबसे बात करके अपनी रिपोर्ट देगी। सर एक और अहम सवाल रहेगा, अगर हार को देखा जाए, कांग्रेस की हार को देखा जाए, जिस तरीके से आप सभी के तमाम के नेताओं के द्वारा एक कहा जा रहा है कि कांग्रेस की लहर है, 70 से ऊपर का लक्ष्य लेकर चल रहे थे, तो वरुण सर हार को किस तरीके से देखते हैं? देखिए 19 के अंदर 31 सीटें कांग्रेस की आई थी, इस बार 37 आई हैं, सरकार नहीं बना पाए ये हम कहेंगे, हार गए, हारना नहीं सही शब्द रहेगा, हाँ सरकार नहीं बना पाए इस बात का पूरे हरियाणा को मलाल है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के नतीजे आएंगे। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी हुई है, वो अपनी रिपोर्ट जल्दी देगी। सर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की जिस तरीके से नहीं बन पाती है, गुटबाजी को लेकर भी कहीं ना कहीं एक अहम कारण बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से कांग्रेस तीसरी बार हरियाणा में हारी है। वहीं वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कहीं कहीं ना माना जा रहा है कि राजनेताओं ने अपने राजनीतिक भविष्य को तरजीह दी है पार्टी से ज्यादा। पार्टी ही बड़ी है और सभी नेतागण जिनका भी आप नाम ले रहे हैं सभी पार्टी के अंदर हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी पूरा प्रयास किया है कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का। 31 सीटें थी हमारी, इस बार 37 आई हैं और शैलजा जी ने भी पार्टी के लिए काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे सांसद वरुण मुलाना को, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर एक्सक्लूसिवली हरियाणा न्यूज से बात की है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज।